मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बीपीएससी बिहार शिक्षक 2024 मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं, TRA 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, आज की क्लास में मित्रों TGT PGT क्लास 9 से लेकर के 12 तक जितने भी बच्चे म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मित्रों, आपको बताते चलें कि एग्जाम स्टेट और बीपीएससी का बहुत नजदीक है, अतः PDF आप जरूर खरीद लें हमसे, ठीक है। PDF का नंबर मित्रों लास्ट में हम आपको बता देंगे, आपको जरूर हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। मित्रों, स्टेट का भी तैयारी भरपूर रूप से किया जा रहा है, आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। और एक चीज और मित्रों, कि हम जो है इस क्लास में जो आज हम लाए हैं प्रश्न, TRA 1 और TRA 2 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी का निचोड़ मित्रों हम लोग लाए हैं, अतः क्लास को जरूर ज्वाइन करें। प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों इस चैनल पर क्लास चलाया जाते हैं, अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन 5 है, बी में आपका 7 है, सी में आपका 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका आंसर आपको हो जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है कि प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है। तो 7 मूर्छनाओं की रचना होती है, मतलब 1 ग्राम में कितने मूर्छना होते हैं, तो 7 होते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है। राग दरबारी कन्हाड़ा गाने का समय क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रात्रि का पहला प्रहर, बी में मित्रों रात्रि का तीसरा प्रहर, सी में है रात्रि का दूसरा प्रहर, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर C, मतलब रात्रि का दूसरा प्रहर। एक चीज आपको मित्रों जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों, आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अतः आज के 4 नंबर प्रश्न पर मित्रों हम लोग चलेंगे। यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। यह ताल ठुमरी गायकी में बजाई जाती है, मतलब कहने का मतलब कौन सा इसमें से ताल है जो ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। ए में आपका मित्र एक ताल है, बी में दीपचंदी ताल है, सी में मित्र रूपक ताल है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम आपके समक्ष लाए हैं सभी के सभी TRA 2.0 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न लाए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दीपचंदी, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है कि यह ताल ठुमरी में बजाई जाती है, तो दीपचंदी ताल जैसे ठुमरी गायकी में बजाई जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नाद कितने प्रकार के होते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। तो ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 1 है, सी में आपका 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरीका के मित्रों आपके एग्जाम में भी ऑप्शन रहेंगे, अतः आपको इसी तरीका से तैयारी करने की जरूरत है, अतः आप हमारे साथ जरूर जुड़े। तो नाद के कितने प्रकार है मित्रों, तो नाद के आपको जैसे 2 प्रकार हैं। नाद के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। एप्पल क्या आंसर है सही है, पहला नाद को बोलते हैं आहत नाद और दूसरा को बोलते हैं अनाहत नाद। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, वैदिक काल में समागन में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। बताइए वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। ए में आपका मित्रों 1 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे। तो मित्रों जैसे 3 प्रयुक्त होते थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक ताल में कितनी खाली होती है। ध्यान से पढ़ना बाबू ताकि कम समय में अधिक से अधिक हम तैयारी करवा दें। एक ताल में कितनी खाली होती है। तो ए में आपका मित्रों 3 है, बी में 1 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि एक ताल में कितनी खाली होती है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि एक ताल में 2 खाली होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है।
इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न जो है द्वादश स्वर मूर्छना निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी। द्वादश स्वर मूर्छना निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना थी। ए में आपका मित्रों मतंग की है, बी में आपका कोहल साहब का, सी में है सारंग देव का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना थी। तो मित्रों आपको बताते चले कि मतंग साहब का एपल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे। अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे। ए में आपका मित्रों गहबर में, बी में आपका मगहर में, सी में है मैहर में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी के सभी प्रश्न में एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को लाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीका से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खां मित्रों मैहर में जैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, मैहर। मतलब मैहर कहने का मतलब एक ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित थी। किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित थी। ए में आपका मित्रों मध्यकाल है, बी में आपका बौद्ध काल है, सी में प्राचीन काल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित थी। तो मित्रों आपको बताते चलें कि मध्य काल में जो है राग रागनी प्रचलित थी। मतलब एप्पल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है। ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत मुनि, सी में अहोबल साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना कौन किए हैं मित्रों। तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना जब को किए भरत मुनि किए हैं, भरत साहब किए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सत्य है। मित्रों यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। यदि म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों तो यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों। अगला प्रश्न है राग खमाज का वादी स्वर है। राग खमाज का वादी स्वर है। ए में आपका म है, बी में आपका ग है, सी में प है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग खमाज का वादी स्वर क्या है। तो मित्रों राग खमाज का जो वादी स्वर आपका ग है। ग कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब प्रश्न आता है कि वादी स्वर किसको बोलते, तो स्वर में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं वादी स्वर। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी वाणियां प्रचलित है। ध्रुपद गायन शैली की कितनी वाणियां प्रचलित है। मित्रों ए में आपका तीन है, बी में आपका दो है, सी में आपका चार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ध्रुपद गायन शैली की कितनी वाणियां प्रचलित है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ध्रुपद गायन शैली की जो है चार वाणियां प्रचलित है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग चलेंगे। मित्रों इस क्लास में कुल हम 80 प्रश्न लेकर के आए, क्योंकि एग्जाम में भी 80 प्रश्न ही पूछे जाएंगे म्यूजिक से संबंधित। तो एग्जाम के मद्देनजर मित्रों रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है। अतः यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि कम समय में सफलता पाना चाहते हैं मित्रों तो इस वीडियो को, इस लिंक को, इस चैनल को मित्रों अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में भेजें ताकि सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे और सभी लोग एक साथ आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा तैयारी किस लेवल में है। प्रश्न मित्रों किस ग्रंथ को सप्त अध्यायी कहा गया है। इसका आंसर तो आप लोग अब तक तो आप लोग दे दिए होंगे कि किस ग्रंथ को सप्त अध्यायी कहा गया है। मित्रों तो आपको बताते चलें कि संगीत रत्नाकर को जो है सप्त अध्यायी कहा गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया। यदि आप म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हो, यदि इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं याद है तो आपको बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा मित्रों कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया है। तो मित्रों ए में आपका है महाराणा कुंभा, बी में है मानसी तोमर, सी में है सुखदेव सी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा
कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया है, तो मित्रों आपको बताते चलें कि ध्रुपद का जो आविष्कार किए थे मानसी तोमर, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। रविंद्र संगीत में प्रयुक्त यह संगीत वाद्य है, मतलब रविंद्र संगीत में कौन से वाद्य का प्रयोग होता था, तो सितार का भी होता था, बांसुरी का भी होता था, इसराज का भी होता था, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात मित्रों कहने का मतलब एक ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग चलेंगे। सभी प्रश्नों को मित्रों बारीकी से आप ध्यान दीजिए और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, बताइए अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो ए में आपका मित्रों नारद साहब है, बी में भरत साहब है, सी में भारत खंडे साहब है और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है, प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है। ए में आपका मित्रों यशवंत है, बी में आपको कलावंत है, सी में आपको अपभ्रंश है और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत बोला जाता था, क्या बोला जाता था कलावंत। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है 100% सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों, कौन सा ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया है, कौन सी ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया है। ए में आपका मित्रों संगीत राज है, बी में मित्रों संगीत रत्नाकर है, सी में बृदेशी बाबू और डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें और प्रतिदिन इस वीडियो को जरूर अपने स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए मित्रों और सभी को सूचित कीजिए कि प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे सुबह 8 बजे क्लास चलाए जाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा कि संगीत रत्नाकर की जो रचना हुआ था 13वीं शताब्दी में था, तो ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जल तरंग किस वर्ग विशेष का वाद्य है, मतलब जल तरंग जो है जो चीनी मिट्टी का बना होता है, ठीक है, जल तरंग किस वर्ग विशेष का वाद्य है। तो मित्रों ए में आपका है घन, बी में है सुशीर, डी में अवनद और सॉरी सी में है अवनद और डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि जल तरंग किस विशेष का वाद्य है, किस वर्ग विशेष का वाद्य है मित्रों। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा घन के अंतर्गत आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा घन के अंतर्गत, मतलब मित्रों एप्पल हमारा आंसर क्या है सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट्स में देना चाहिए कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भरत मुनि, बी में है नारद साहब, सी में है सारंगदेव, डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है मित्रों। तो आपको बताते चले कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं आपको भरत मुनि है, कौन है भरत मुनि, अर्थात एप्पल हमारा मित्र आंसर क्या है सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है, मतलब बांसुरी जो है किस वर्ग में रखा जा सकता है। जैसे वाद्य के चार प्रकार हैं तो चारों में से बांसुरी जैसे कौन से वाद्य के अंतर्गत आएगा, वितत, घन, सुशीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि बांसुरी को जो है आपको सुशीर के अंतर्गत रखा गया है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है, सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में ई में मित्रों जो ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या आंसर होगा कि सात स्वर में कितनी श्रुतियां होती हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि सात स्वर में जो है से 4 श्रुतियां होती है, कितनी श्रुतियां होती है 4 श्रुतियां होती है मित्रों। इस प्रकार हम लोग 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे,
धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है एक ताल, बी में है कहरवा ताल, सी में मित्रों झप ताल, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको जगह झप ताल मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे। ए में है मित्रों तार ग्रहण, बी में है तुम्बा, सी में है मित्रों तरब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं तरब, आपको बताते चले मित्रों कि तरबों की तारों की संख्या कुल कितना होता है 11 होता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग की उत्पत्ति किससे होती है। राग की उत्पत्ति किससे होती है। ए में मित्रों आपको ताल है, बी में आपका थाट है, सी में मित्रों ग्राम है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि राग की उत्पत्ति किससे होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग की जो मित्रों उत्पत्ति होती है वो आपको थाट से होती है। किससे होती है थाट से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सत्य है। अगले प्रश्न है मित्रों राग तोड़ी के गायन का समय है, मतलब राग तोड़ी जो है किस समय गाया जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है दिन का दूसरा प्रहर, बी में है रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में है रात्रि का अंतिम प्रहर, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि राग तोड़ी के गायन का समय है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग तोड़ी का जो गायन का समय है दिन का दूसरा प्रहर है, मतलब ए पॉल आंसर हमारा क्या मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे कहते हैं। जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे कहते हैं। ए में आपका मित्रों निबंध है, बी में अनिबंध है, सी में बहुत्व है, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है कोई नहीं। तो मित्रों जो गायन तालबद्ध में नहीं हो उसे हम लोग अनिबंध बोलते हैं, मतलब बी नंबर आंसर आपका क्या है सही है। देखिए अगला प्रश्न है राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। ए में आपका काफी हो जाएगा, बी में बिलावल हो जाएगा, सी में कल्याण हो जाएगा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा राग गौंड मल्हार किस थाट का राग है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग गौंड मल्हार जो है आपका वो आपको बिलावल थाट का राग है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है मित्रों सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में कुल स्वर है, मतलब भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, और जितने भी प्रश्न हम आपको आज बतला रहे हैं सभी के सभी प्रश्नों को कई के बार बता चुके हैं। तो मित्रों भारतीय संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 12 है। आपको डायरेक्ट हुए मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दक्षिण पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखता है। दक्षिण पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखता है। ए में मित्रों आपका जावली है, बी में तराना है, सी में फग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि दक्षिण पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखता है। मित्रों तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तराना, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है सही है। एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। ठीक है, कमेंट्स में जिस प्रश्न का आंसर आप दे देते हैं सही हो जाता है तो अच्छा ही बात है, यदि गलती भी हो जाता है और उसके बाद आपको हम सही आंसर बताएंगे तो आप कभी दोबारा भूलिएगा नहीं। इसलिए सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, गलती से डरने की जरूरत आपको नहीं है। श्री हरि बल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, श्री हरि बल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। तो ए में आपका मित्रों जालंधर है,
बी में अंबाला है, सी में पटियाला है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि श्री हरि बल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि आपको होता है जालंधर में होता है। कहाँ होता है? जालंधर में होता है, मतलब एप्पल। मित्रों आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि आचार्य के सी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। आचार्य के सी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख बिंदु है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, बी में है संगीत मरकंद, सी में है मित्रों संगीत दामोदर, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी तरीका से मित्रों एग्जाम में पांच प्रश्न आपको दिए जाएंगे, सॉरी पांच ऑप्शन दिए जाएंगे, पांच ऑप्शन में से एक आपका सही रहेगा। तो बताइए क्या आंसर होगा कि आचार्य के सी डी बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों संगीत मरकंद होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? ए में आपका मित्रों गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में दिलरुबा है, डी में मित्रों आपको ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है। तो मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि मिजराब जो है मित्रों आपको दिलरुबा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? तो ए में आपका मित्रों मात्रा है, बी में ठेका है, सी में आपका टप्पा है, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या आंसर होगा कि ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि ताल के निश्चित बोल को आपको ठेका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठेका। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों एक चीज जरूर बताएंगे कि पेड फोर पीडीएफ है, पेड फोर पीडीएफ मित्रों एक ऑफर चल रहा है। इस नंबर पर मित्रों आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसका चार्ज है 199 रुपीज मित्रों, 199 रुपए मित्रों आपको बहुत सारे वीडियो का कोर्स आपको दे दिया जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ दे दिया जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। तो प्रश्न मित्रों कि जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन सा ताल कहते हैं। ए में आपका मित्रों चार ताल है, बी में रूपक ताल है, सी में मित्रों एक ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन ताल कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों, इसको जो हम लोग बोलते हैं एक ताल बोला जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ए में आपका मित्रों आंसर है पंडित जसराज, जो कि गलत है। बी में आपका है पंडित भीमसेन जोशी, सी में जगदीश प्रसाद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों अभी तक जो है से संगीतज्ञों में जो कलाकार संगीतज्ञ है उनमें से भारत के जो महत्वपूर्ण चार ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, एम एस सुब्बालक्ष्मी को मिला है पहला, दूसरे के बार मित्रों मिला है पंडित रविशंकर को, और तीसरे के बार मित्रों जो आपको मिला है इनको बिस्मिल्ला खां को, और अंतिम जो 2008 में मिला है आपको इनको जो मिला है 2008 में भारत रत्न भीमसेन जोशी को मिला है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। बताइए क्या होगा कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों ए में आपका 5 है, बी में आपका 12 है, सी में 2 है, और डी में मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृति स्वरों की संख्या मित्रों 5 है, मतलब एप्पल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तानपुरा का एक अंग है तुम्बा,
यह किससे बना होता है, अर्थात सिंपल सा समझ जाइए कि तुम्बा जो है से तानपुरा का एक गोलाकार टाइप इस टाइप का एक अंग होता है, उसका पार्ट होता है, ठीक है। यह किसका बना होता है, ए में आपका लौकी है, बी में आपका सीताफल है, सी में बैगन है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि तानपुरा का जो एक अंग होता है तुम्बा, वो आपको लौकी का बना होता है। एप्पल आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि अधर्व दर्शक स्वर कहा जाता है, अधर्व दर्शक स्वर कहा जाता है। ए में आपका मित्रों आंसर है सूधमा को, बी में पंचम को, सी में मित्रों कोमल ऋषभ को, और डी में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों शुद्ध म को, मतलब एप्पल आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलेंगे। कुवाड़ लय इस नाम से जानी जाती है, मतलब कुवाड़ लय को मित्रों और किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ए में आपका डेढ़ गुना, बी में आपका सवा गुना, और सी में मित्रों पौने दो गुना होगा, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि कुवाड़ लय इस नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि कुवाड़ लय को जो मित्रों आपको सवा गुना के नाम से भी जानते हैं, कुवाड़ लय को सवा गुना के नाम से भी मित्रों जानते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है, भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। तो ए में आपका मित्रों प है, बी में आपका सा है, सी में मित्रों नी है, और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर किसे माना गया है। तो मित्रों सा को माना गया, किसको माना गया है, सा को, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर मित्रों क्या हो गया, बी हो गया। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों अगला प्रश्न है कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था, किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। तो ए में आपका मित्रों मध्य काल, बी में बौद्ध काल, सी में मित्रों प्राचीन काल, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। तो मित्रों आपको बताते चलें कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही है। तो इस प्रश्न का जो मित्रों आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में मित्रों जैसे मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को चलेंगे। गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है, गायन शैली जिसमें पखावत संगत की जाती है। तो मित्रों ए में आपका है ख्याल, बी में ध्रुपद, सी में कव्वाली, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। आप लोग इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़ करके क्लास कर रहे हैं, तो निश्चित है कि सभी का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी का तैयारी आपको 100% चल रहा है। तैयारी करने का मुख्य मंत्र, मूल मंत्र यही होता है कि एक साथ ग्रुप में पढ़ करके हम लोग आगे बढ़े, ताकि सभी का आंसर सही गलत पता चलते रहेगा। तो मित्रों प्रश्न है गायन शैली जिसमें पखावज संगत की जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुपद, मतलब बी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि धमार ताल में कितनी मात्रा होती है, बताइए धमार ताल में कितनी मात्रा होती है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि ए में आपका 10 है, बी में 14 है, सी में आपका 15 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि धमार ताल में कितनी मात्रा होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि धमार ताल में जो है 14 मात्रा होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, बताइए। अब यहू प्रश्न का आंसर नहीं दीजिएगा या गलत दे दीजिएगा तो बड़ा दुख की बात है। आप लोग सबको मेरी बात को समझ रहे हैं, यदि ऐसे ऐसे इजी से इजी प्रश्न का आंसर आपको सही बताना पड़ेगा। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो ए में आपका सारंग देव, बी में भरत साहब,
सी में मित्रों अहोबल साहब और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। तो मित्रों आप लोग बहुत अच्छे ढंग से मित्रों इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। कि संगीत रत्नाकर के लेखक एप्पल आपका एकदम सही आंसर है, सारंगदेव। क्या है? सारंगदेव। संगीत रत्नाकर के लेखक मित्रों क्या है? तो सारंगदेव है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, तीन ताली तथा एक खाली किस ताल में होता है? तीन ताली तथा एक खाली किस ताल में होता है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है तीन ताल, बी में दादरा, सी में चार ताल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि तीन ताली तथा एक खाली किस ताल में होती है? तो मित्रों आपको बताते चले, इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा तीन ताल, मतलब एप्पल आंसर क्या है 100% सत्य मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है? वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है काफी, बी में है भैरवी, सी में है सावरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है? तो मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के मद्देनजर मित्रों रखते हुए तैयार किया गया है और जितने भी प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2.0 में सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए मित्रों यह क्लास को हम लाए आपके पास ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयारी हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर बहुत अच्छे ढंग से आप लोग दे रहे हैं कि वृंदावनी सारंग किस थाट का है, तो काफी थाट का एप्पल आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि तानपुरा में कितने तार होते हैं? तानपुरा में कितने तार होते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है एक, बी में दो, सी में चार, डी में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, और ई में क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट्स में 100% देना चाहिए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं मित्रों। फटाफट आप लोग इसी तरीका से सभी प्रश्न का आंसर देते रहिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। तो तानपुरा में मित्रों आपको कुल तारों की संख्या कितनी है? चार है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों एक चीज आपको सूचना जरूर देंगे कि एग्जाम के मद्देनजर मित्रों रखते हुए पेड 4 PDF है 9955081059। इस पर मित्रों आप 199 रुपया मित्रों पेमेंट भेज करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज करके मित्रों आप जैसे तत्काल में संपूर्ण कोर्स चाहे एस्टेट का हो या बीपीएससी टीआरई 3.0 का हो मित्रों तुरंत आप संपूर्ण कोर्स खरीद सकते हैं जिससे आपके आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है? संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है? ए में आपका मित्रों स्वर है, बी में नाद है, सी में राग है, डी में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि संगीत की जो मित्रों उत्पत्ति हुई है आपको नाद से हुआ है। किससे हुआ है? नाद से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ये चीज मित्रों याद रखिएगा कि यदि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है यदि ऐसे पूछेगा और यदि उसमें ओम का ओम भी यदि मित्रों ऑप्शन में रहेगा ओम लिखा हुआ आपको नाद न मार करके ओम ही टिक और करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न है नाद किसे कहते हैं? बताइए नाद के दो प्रकार हैं आहत नाद और अनाहत नाद। नाद की कुल तीन विशेषता है और यहां पर प्रश्न है कि नाद किसे कहते हैं? बताइए फटाफट। ए में आपको आपका ऑप्शन है मित्रों संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है संगीत उपयोगी अमधुर ध्वनि को, सी में वादन को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि नाद किसे कहते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। एप्पल आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं? मित्रों हम बता चुके हैं मित्रों कि नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। ए में आपका तीन है, बी में आपका दो है, सी में आपका चार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में 100% देना चाहिए।
काहे के तुरंत हम इसके पहले वाला प्रश्न मित्रों बता चुके हैं कि नाद के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाद के आपको दो प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद, आहत नाद और अनाहत नाद। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत का आधार कौन सा नाद है बताइए, संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है प्रत्याहत, बी में अनाहत, सी में आहत और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि संगीत का जो मित्रों आधार है उसको आहत नाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों, कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं बताइए क्या आंसर होगा, स्वर किसे कहते हैं। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और ऑप्शन के अनुसार आपको टिक और करना ही होगा। तो मित्रों आपको बताते चलें, ए में आपका ऑप्शन है 23 श्रुतियों में से मुख्य 13 श्रुतियां, यह भी गलत है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 13 श्रुतियां, यह भी गलत है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को ही स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। कुल श्रुतियों की संख्या कितना है, 22, वही 22 में से 12 को जो निकाला जाता है उसको मुख्य श्रुतियों के अंतर्गत, वही 12 स्वर वही आ जाता है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों देखो उदाहरण दो कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि स्वरों की जो उत्पत्ति हुई है, नाद से स्वर की श्रुति से स्वर, भी गलत है। बी आपका है स्वर से स्वर और श्रुति से स्वर, भी गलत है। और मित्रों सी में है स्वर से श्रुति और नाद से स्वर, भी गलत है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, तो है ये नहीं, तीन में से तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा ये हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि नाद से श्रुति, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर, ध्यान दीजिएगा, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर की उत्पत्ति से मित्रों स्वर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। रियल आंसर क्या बोल रहे हैं लिख लीजिए आप कॉपी में, नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि संपूर्ण जाति का राग कौन सा है, संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। ए में आपका मित्रों कल्याण है, बी में भोपाली है, सी में बिहाग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संपूर्ण जाति का जो राग है मित्रों आपको कल्याण है। क्या है, कल्याण, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है बताइए, यही प्रश्न का आंसर आपको हो, यदि हम ही को बताना पड़े तो बहुत दुख होता है कि आप हमसे म्यूजिक पढ़ रहे हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। तो मित्रों ए में आपका 22 है, सॉरी 23 है, बी में आपका 22 है, सी में आपका 21 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि एक सप्तक में जो है 22 श्रुतियां मानी जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। अब अतः इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट्स में देना चाहिए कि नहीं, आप लोग खुद अपना राय अपना परामर्श दीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि सप्तक किसे कहते हैं बताइए, सप्तक किसे कहते हैं। ए में आपका ऑप्शन है मित्रों कि क्रमानुसार सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला ही पढ़ लेते हैं, क्रमानुसार पांच स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, सप्तक में तो सात स्वर होते हैं, यहाँ पर पांच दे भी गलत है। क्रमानुसार चार स्वरों के समूह को, ये भी आपका गलत है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत हो जाएगा और उपयुक्त में से कोई नहीं भी आपका क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। अर्थात सप्तक किसे कहते हैं मित्रों, तो क्रमानुसार सात स्वरों के समूह को क्या कहते हैं, सप्तक कहते हैं। एप्पल आपका मित्रों सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं, संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं। तो ए में आपका मित्रों 3 है, बी में आपका 2 है, सी में मित्रों 5 है और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि संगीत में कितने सप्तक माने गए हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें,
इस संगीत में जो है मित्रों आपको कुल जो है 3 सप्तक माने गए हैं, तार सप्तक, मंद्र सप्तक, एक सप्तक का नाम आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो मित्रों इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ग्राम किसे कहते हैं बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि ग्राम किसे कहते हैं। तो ए में आपका मित्रों स्वर और राग के समूह को ग्राम कहते भी आपका गलत है। बी में मित्रों है कि स्वर और आलाप के समूह को ग्राम कहते भी आपका गलत है। स्वर और वर्ण के समूह को ग्राम कहते भी आपका गलत है। तो मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, ई नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको फिर से नोट कीजिए आप कि ग्राम किसे कहते हैं, तो आपको मित्रों हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कि स्वर और श्रुति के, लिखिए ध्यान दीजिए, स्वर और श्रुति के समूह को ग्राम कहते हैं, ठीक है। स्वर और श्रुति, ठीक है, स्वर और श्रुति, स्वर और श्रुति के जो समूह होगा उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई मित्रों आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि कुल कितने ग्राम माने गए हैं बताइए, कुल कितने ग्राम माने गए हैं। तो ए में आपका मित्रों 3 है, बी में आपका 2 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा कि कुल कितने ग्राम माने गए हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि कुल जो है 3 ग्राम माने गए हैं, सदज ग्राम, मध्यम ग्राम, 1 ग्राम का नाम मित्रों आपको खुद बताना है कमेंट्स में कि कुल 3 ग्राम है, तो तीनों ग्राम में से कौन कौन है, 2 ग्राम का नाम आपको बता दिए, 1 ग्राम का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में देना है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है मित्रों कि मूर्छना किसे कहते हैं बताइए, कुल मूर्छना की संख्या 21 है, ठीक है। तो मूर्छना किसे कहते हैं, ए में है चमकाना अथवा स्थिर, बी में उभारना अथवा कंपन, सी में मित्रों चमकाना अथवा उभारना, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या होगा कि मूर्छना किसे कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकाना अथवा उभारना ही जिसे मूर्छना कहलाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि भरत ने सारण प्रक्रिया में बीना पर कितने तार बांधे थे। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 5, बी में 7, सी में मित्रों 6, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, भरत ने सारण प्रक्रिया में बीना पर कितने तार बांधे थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा 7 तार बांधे थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि आप इस लिंक को, इस चैनल को मित्रों अधिक से अधिक आप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। और सबसे बड़ी बात यह हो जाए कि सभी लोग एक साथ जुड़ने लगेंगे ना, तो सभी का तैयारी बहुत जोर शोर से हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है, रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है बताइए फटाफट, रागों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ए में आपका मित्रों है, रागों की उत्पत्ति स्वर से मानी गई है, ठीक है मित्रों। बी में आपका ऑप्शन है, रागों की उत्पत्ति वर्ण से मानी गई है। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है, रागों की उत्पत्ति थाट से मानी गई है। और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई में मित्रों आपका ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों फट से बताइए इसका आंसर कि क्या आंसर होगा, ठीक है। फटाफट आप कमेंट्स में इसी तरीका से आप लोग सबको यदि आंसर दीजिए, हमको भी आप लोग का कमेंट्स आंसर देख करके बहुत मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि आप लोग एक साथ मिलकर के पढ़ रहे, सभी लोग को निश्चित सफलता मिलेगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों, राग कैसे बनते हैं बताइए, राग कैसे बनते हैं। तो ए में आपका मित्रों है वर्ण मेल होगा, वर्ण मेल से, ठीक है। बी में आपका राग से, सी में है स्वरों से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, राग कैसे बनते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग जो है स्वरों से बनते हैं, किसे बनते हैं, स्वरों से, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि रागों की मुख्य जातियां कितनी है, रागों की मुख्य जातियां
कितनी है? तो मित्रों ए में आपका 4 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 7 है, डी में मित्रों आपको ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों फटाफट आंसर कि रागों की मुख्य जातियां कितनी है। मित्रों इस प्रश्न का भी आंसर न जाने हम कितना बार बता चुके हैं कि रागों की मुख्य जातियां कितनी है। तो मित्रों इसी तरीके से आप लोग फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो रागों की मुख्य जातियां जो है 3 है। कितना है? 3। पहला को क्या बोलते हैं? आडव, दूसरा है साडव, तीसरा का संपूर्ण। आडव में 5 स्वर होते हैं, साडव में 6 स्वर होते हैं, और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। इस प्रकार मित्रों रागों की मुख्य जातियां कितनी है? तो 3, मतलब ऑप्शन में भी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ठाट किसे कहते हैं? बताइए ठाट किसे कहते हैं? आपको मित्रों इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। ये में आपका ऑप्शन है कि सप्तक के 13 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर, कोई भी तो गलत एकदम 100% है। इस प्रकार बी नंबर मित्रों ऑप्शन है कि सप्तक के 7 स्वरों में से 13 क्रमानुसार मुख्य स्वर, कोई भी आपका गलत है। सी नंबर मित्रों आपका ऑप्शन है कि सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर को ही ठाट बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है? बताइए फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों बीपीएससी टीआरए 2.0 मित्रों सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब 12। मित्रों 14 भी गलत है, 16 भी गलत है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत है, क्योंकि एक ताल और 4 ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 12, मतलब एप्पल। मित्रों आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? ए में आपका मित्रों 3 ताल है, बी में आपका कहरवा ताल है, सी में आपका झप ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा? मित्रों आप आंसर फटाफट कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए ताकि आंसर 100% सही हो जाए कि ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों फटाफट आप लोग कमेंट्स में इसी तरीका से प्रतिदिन आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि ध्रुपद गायन के साथ 3 ताल भी गलत है, कहरवा ताल भी गलत है, झप ताल भी गलत है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत है, अर्थात इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको हम आंसर बता दे रहे हैं। तो मित्रों ध्रुपद गायन के साथ जो प्रयोग होता है, आपको बता दे रहे हैं कि ध्रुपद गायन के साथ 4 ताल का प्रयोग होता है। किस ताल का? 4 ताल, अर्थात इसीलिए ऑप्शन नंबर ये क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों ठुमरी किस राग में गाई जाती है? ठुमरी किस राग में गाई जाती है? ए में आपका मित्रों भैरवी है, बी में भैरव है, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, डी में मित्रों यमन है, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ठुमरी किस राग में गाई जाती है? तो मित्रों आपको बताते चले कि ठुमरी जो है मित्रों आपको भैरवी राग में गाई जाती है। एप्पल आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों 71 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? राग असावरी की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो मित्रों ए में आपका हो जाएगा असावरी, बी में आपका हो जाएगा भैरव, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है यमन, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि राग असावरी की उत्पत्ति जैसे किस ठाट से हुई है? तो मित्रों फटाफट आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स आंसर दिया कीजिए कि राग असावरी की जो मित्रों उत्पत्ति हुई है आपको असावरीय थाट से हुआ। किससे हुआ है? राग असावरी की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? तो असावरीय थाट से। मित्रों मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शुद्ध राग किसे कहते हैं? बताइए अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि शुद्ध राग किसे कहते हैं? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है, तो इसी गलत हो जाएगा यार। बी में है जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन अशुद्ध रूप में होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी में मित्रों आपका ऑप्शन है जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से होता है उसी को क्या बोला जाता है? शुद्ध राग, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है?
सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं? ए में आपका मित्रों 4 है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या आंसर होगा कि भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि भरत ने सप्तक में जो है आपको 2 संवाद माने, कितने संवाद माने हैं? 2 संवाद माने हैं। दोनों कौन कौन है ये भी आपको बता दे रहे हैं। पहला है मित्रों आपको सा और मा, और दूसरा का संवाद है मित्रों सा और प। यही आपको याद रखना है कि भरत ने सप्तक में कितने संवाद माने हैं। तो 2 माने हैं, पहला क्या है सा और म, और दूसरा का सा और प। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है, बताइए। ये आपको नहीं आएगा तो दिक्कते की बात ना है, है? मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए में आपका मित्रों संगीत राज, तो गलत है। बी में संगीत प्रजाति, तो अबोहल साफ हो जाएगा। सी में मित्रों विदेशी, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मतंग ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो मित्रों आपको बताते चले कि विदेशी के लेखक कौन है? मतंग साहब। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि राग में वादी स्वर का महत्व क्या है, बताइए। राग में वादी स्वर का महत्व क्या है? ए में आपका मित्रों है राग जो स्वर अन्य स्वरों से कम लगे, गलत है। बी में मित्रों आपको ऑप्शन है कि राग में जो स्वर अन्य स्वरों से बराबर लगे, ये भी आपका गलत है। सी में मित्रों आपको ऑप्शन है राग में जो स्वर अन्य स्वरों के बराबर नहीं लगे, ये भी आपका गलत है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत हो जाएगा। अर्थात मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर, ठीक है। कि राग में वादी स्वर का महत्व तो क्या है? तो मित्रों आपको इसका आंसर हम बताते चल रहे हैं, आप नोट कीजिए कि वादी स्वर उसको बोलते हैं जो राग में जो सबसे अधिक प्रयोग होता है उसको हम वादी स्वर बोलते हैं, ठीक है। राग में जो सबसे अधिक स्वर प्रयोग होता है उसे स्वर को क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग में संवादी स्वर का क्या महत्व, बताइए। इसका भी आंसर आपको देना अति आवश्यक है कि राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता करते हैं, यही आपका सही आंसर हो ही जाएगा, ठीक है ना। बी में आपका मित्रों ऑप्शन है कि राग में संवादी वादी स्वर की सहायता नहीं करता, ये आपका गलत है। सी में मित्रों राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता करता है, ये भी आपका मित्रों गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक भी गलत है, ये भी मित्रों ये तो कोई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अर्थात मित्रों इसका आंसर क्या हो गया? एप्पल, ठीक है। कि राग में संवादी स्वर का क्या महत्व है? तो राग में संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता करता है, मतलब जैसे संवादी स्वर उसको बोलते जो वादी स्वर की जो सहायता करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संवादी स्वर बोलते हैं। वादी स्वर के मित्रों राजा बोला जाता है, और संवादी स्वर के मित्रों आपको मंत्री बोला जाता है, सहायक बोला जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग तरंगनी ग्रंथ किनकी रचना है, बताइए फटाफट आंसर कि राग तरंगनी ग्रंथ किनकी रचना है। ए में आपका मित्रों मतंग साहब है, बी में भरत साहब है, सी में लोचन साहब है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या आंसर होगा। राग तरंगनी ग्रंथ की रचना किसने किया? तो मित्रों आपको बताते चले कि राग तरंगनी ग्रंथ की जो मित्रों रचना हुआ आपको लोचन साहब की, कौन किया है? लोचन साहब। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों राग प्रवेश के लेखक कौन है, बताइए फटाफट आंसर कि राग प्रवेश के लेखक कौन है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मतंग साहब, बी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भारत खंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग प्रवेश के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग प्रवेश के जो लेखक है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब है। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है। एक चीज आपको मित्रों हम जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन एक ग्रुप बनाइए, और उस ग्रुप के अनुसार मित्रों जैसा आप आंसर दिया कीजिए 100% आपका आंसर सही होगा,
और मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर दिया कीजिए। एक चीज और मित्रों कि पेड फोर पीडीएफ मित्रों कोर्स चल रहा है, 199 रुपया मित्रों उसका दाम है। आपको 199 रुपया मित्रों स्टेट और बीपीएससी का संपूर्ण कोर्स आपको मित्रों दे दिया जाएगा। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है मित्रों, तत्काल जो है आपको कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं, बताइए क्या आंसर होगा। क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं, तो ए में आपका मित्रों 6 है, बी में आपका 4 है, सी में 5 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने भाग हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि कुल 6 भाग है। कितने भाग है? 6 भाग है मित्रों। इस प्रकार आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और मित्रों आपको जैसे इस वीडियो को, इस चैनल को मित्रों लाइक जरूर करना है, क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों निःशुल्क वीडियो हम लोग बना करके आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। अतः लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किया कीजिए। और आपको एक चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी प्रश्नों का अंतिम प्रश्नों तक मित्रों आप लोग अंतिम क्लास तक जुड़े हुए रहे, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और मित्रों फिर यही आपको सूचना दे रहे हैं कि पेड फॉर पीडीएफ, आप पीडीएफ और नोट्स को भी मित्रों जरूर खरीद लीजिए। हम तो यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं, परंतु आपको सेल्फ स्टडी के लिए अति आवश्यक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।